सोदपुर एरिया के बीएमपी ग्रुप के डॉक्टर विंदु कुमारी और श्रमिक नेता अमित प्रसाद के बीच हुई मतभेद के बाद कोलियरी प्रबंधक ने अमित प्रसाद को 4 सीट दिए जाने पर एचएमएस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बेसडी कोलियरी प्रबंधक मनोज कुमार का घेराव किया। मौके पर एरिया जेसीसी सदस्य जयंतो मित्रा, शाखा अध्यक्ष राम बालक नोनिया, सचिव अमित प्रसाद, दशरथ गोप, कल्याण कर्मकार सहित अन्य लोग मौजूद थे। मामले को सुलझाने के लिए बीएमपी ग्रुप के अभिकर्ता जितेंद्र प्रसाद सिंह बेसडी ग्रुप पहुंचे और एचएमएस के लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि गलती दोनों पक्ष से हुई है, आगे मामले की जांच होगी। एचएमएस के शाखा सचिव अमित प्रसाद का कहना है कि जब अपने कार्यकर्ता उज्ज्वल आचार्य के सिख कराने के लिए डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बैठने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब फिर से गए तो उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और मेडिकल खाता मुंह पर फेंक दिया। इसकी शिकायत जब कोलियरी प्रबंधक एजेंट को किया तो उल्टे में मुझे चार्जशीट थमा दिया गया। इसमें मेरा क्या कसूर था? उन्होंने कहा कि बेसडी कोलियरी के डिस्पेंसरी में सप्ताह में 2 दिन डॉक्टर को बैठने का है, परंतु विगत 10 महीना से 1 दिन भी नहीं बैठा है, जिसके कारण इस कोलियरी में काम करने वाले सभी कर्मियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी प्रकार कोई दुर्घटना घट जाए तो एम्बुलेंस के अभाव में कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। प्रबंधन एम्बुलेंस एवं डॉक्टर के बैठने की व्यवस्था करवाए ताकि सभी कर्मियों को सुविधा मिल सके। डॉक्टर के साथ कुछ बहस हुआ था, उसी में चार्जशीट दिया गया था, उसी को लेकर के ही लोग घेराव था मैनेजर का। अभी क्या बात हुआ सर? अभी बात हुआ कि दोनों आदमी डॉक्टर भी ये भी अपना गलती का क्षमा मांगेंगे, इसके बाद चार्जशीट टूट जाएगा। सर मैंने मजदूरों से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर डॉक्टर को बिहेवियर के साथ साथ और डॉक्टर की नहीं उपस्थिति और एम्बुलेंस की भी डिमांड है लोग का, डॉक्टर के साथ साथ एम्बुलेंस की भी डिमांड है। डॉक्टर तो एक डॉक्टर है, 5 कोलियरी देखती है, तो निश्चित रूप से उपलब्धता थोड़ी कम है। और एम्बुलेंस का जो टेंडर किया गया था वो टेंडर वाला दिया नहीं, जो अभी टेंडर हो रहा है फ्रेश एम्बुलेंस मिल जाएगा। फिर भी एक एम्बुलेंस है जो तीनों को जो कैटर करती है, एरिया से एक एम्बुलेंस दिया गया इमरजेंसी में। फिर हम लोग की गाड़ी है, बोलेरो है, इमरजेंसी में काम करें। सर आपका परिचय? जेपी सिंह, एजेंट बीएमपी ग्रुप। पहले आपको नमस्कार दे रहे हैं मीडिया वाला को। हम लोग ये घेराव इसलिए कर रहे हैं मैनेजर को कि हमारे बेसडी कोलियरी के जो डिस्पेंसरी है यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल रहती नहीं है, कम से कम 10 महीना से यहाँ पर आती नहीं। एक दिन सिर्फ आई थी, पहले इनका आने का समय था मंडे और सैटरडे, वीकली 2 डेज। क्या नाम है उनका? उनका नाम है डॉक्टर बिंदु कुमारी महतो। क्या हुआ था, सैटरडे को मेरा एक कलीग था सर्वे डिपार्टमेंट का, सर्वे मजदूर उज्जवल आचार्य, उसका तबीयत खराब था। अचानक वो गया था सिक के लिए, तो वहाँ का फार्मेसिस्ट बोला कि मैं पहले एक हमारे प्रैक्टिस चला आ रहा था कि सिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद सिक होता था, हम लोग का बहुत दिन से चला आ रहा था। अचानक सैटरडे को मालूम चला, 4 तारीख को, 4/11/2023 को मालूम चला, उज्जवल गया, बोला कि नहीं मैडम का स्ट्रक्चर है कि आप लोग सिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं होगा, डायरेक्ट आप मैडम से जाके मिलिए, मैडम से जाके मिलिए आप, और जाकर मैडम से मिलिए, मैडम खुद एंट्री करेंगे तब आपको सिक ग्रांट होगा। तो ठीक है, तो उसको अचानक उसका ट्रेन था 6 तारीख को मंडे का दिन, तो वो आया सैटरडे को, मुझे बोला कि अमित मंडे को मेरा ट्रेन है, मेरा बेटा भी साउथ इंडिया में पढ़ता है तो मुझे वहीं बुला रहा चेकअप के लिए। तो वो उसने मुझे अपना टिकट भी यहाँ भेजा, जो मंडे का दिन का टिकट है, LLP कौन ट्रेन है एक, उससे वो गया, वो उसका फैमिली गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ, हम और मेरे प्रेसिडेंट, मैं सेक्रेटरी हूँ, ये मेरे प्रेसिडेंट राम बाल प्रसाद, इन्फॉर्मेशन देने की है कि हम लोग CMCHMS के सेक्रेटरी हैं और ये प्रेसिडेंट है। फिर उसके बाद हम लोग गए तो मैडम के पास, मैडम को बोले मैडम मे आई कमिंग, तो वहाँ पर एक पटमोना के इंजीनियर साहब को देख रहे थे, चेक कर रहे थे, तो मैं रुक गया। फिर वो लोग चाय पीने लगे, एट द टाइम ऑफ चाय दोनों पीने लगे, तो उस समय मैं ढुका, मैं आई कमिंग, कुछ बोली नहीं, मैं ढुक गया पोलाइटली। हेलो मैडम, मैं आपसे काम है। बोला आप क्या काम है, आप कौन है? हेलो मैम, मैं अमित प्रसाद हूँ, मैं बेसडी कोलियरी का वर्कर हूँ, मैं CMCHMS का सेक्रेटरी भी हूँ और JCC का मेम्बर्स भी हूँ, आप बाहर जाइए बैठिए, मैं आपको बुलाऊँगा। मैडम का डायरेक्ट यही स्ट्रिक था लाउडली, मैं चला गया, कुछ बोला नहीं। मैम ने सारा पेशेंट्स को देख लिया, देखने के बाद मैडम मुझे बुलाया,
आप आइए, मैं और ये गया, मैं ये गया जाने का बात। अरे मैडम बोल पेशेंस कहाँ हैं? हमें मैम पेशेंट तो यहाँ नहीं है, पेशेंट सैटरडे को आया था। बोल वेर इज पेशेंस? हमें मैम पेशेंट नहीं है। तो बोले ये कौन है? हम बोले मैम ये प्रेसिडेंट। गेट आउट, गेट आउट, बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए, आप खाली बैठिए, आप रहिए। ऐसा मैडम ने कहा? मैडम ने कहा, इनको कहा पहले गेट आउट, आप बाहर निकलिए। ये निकल गए, मैंने बैठा, बोली हाँ पेशेंट लाइए। अब मैम पैसे नहीं है, बोल टेलीफोन से बात करिए। हम लोग मैम टेलीफोन से बात नहीं होगा, वो ट्रेन में है। तो जो सत्य घटना है मैं आपको ही बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैडम बोल नहीं बिना ऐसा नहीं होगा। हलो मैडम आप इतना चिल्ला रही क्यों मैम, अच्छा से बात कर सकते? बोला कि आप पेशेंट को लाते हैं कि नहीं? पूरा चिल्ला के रूडली टाइप का बोला, आप पेशेंट को लेकर आइए, सीधा पेशेंट को लेकर, हम सुनेंगे नहीं, हमें नहीं करेंगे आपको, हमें नहीं कीजिएगा मैम। मैम यू टॉक स्लोली मैम, वाई सो एग्रेसिव? वो तो हु आर यू? हेलो मैम अलिया आई टोल यू मैम आई एम अमित प्रसाद, आई एम सेक्रेटरी ऑफ HMS, आई टोल यू मैम। फिर बोला हु आर यू? हेलो मैम ठीक है मैम लेट इट बी, आप कीजिएगा मैम कि नहीं कीजिएगा? वो तो नहीं, पैसे नहीं हो तो नहीं करेंगे। हम बोले ठीक है मैम। मैम ये हमारे बेजी कॉलोबे का प्रैक्टिस चला था कि इन्फॉर्मेशन होने तो पता। आप मैम सैटरडे को कहाँ थे? आप सैटरडे को नहीं? बोले आप पूछने वाले कौन? हाँ मैम मैं यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा राइट से आपको पूछ सकते हैं। तो उसने मुझे पूरा हल्ला करके नहीं करना है, नहीं करना है, पूरा हल्ला वल्ला होने लगा, डिस्टर्बेंस होने लगा। वहाँ कुछ आदमी जुट गए। फिर वो बोला चलो ठीक मैम मैं जा रहा हूँ, आई विल गो, आई विल इन्फॉर्म टू द एजेंट। बोले यू गो टेल एनीबॉडी? ठीक है मैम। मैं निकल गया। मैं निकलने के बाद पहला फ़ोन किया मैंने मैनेजर को, मैनेजर को मैंने फ़ोन से सूचना दिया। मैनेजर ने क्या कहा? मैनेजर ने बोला कि मैं क्या करूँ, आप एजेंट को बोलो। क्या नाम है मैनेजर? मैनेजर का नाम है मनोज कुमार, हमारे बेटी को बोलेगा, हमारे गार्जियन है। मैंने पहले उनको इन्फॉर्म किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि मैं क्या करूँ, क्या है वो तो ठीक बोल रहा है, हम क्या करें, आप एजेंट को बोलो। मैं एजेंट का ऑफिस गया, एजेंट वहाँ नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं चला गया एरिया ऑफिस, APM साहब गोस्वामी साहब के पास गया। गोस्वामी को अपना अपना ये चीज़ बताया, वक्त रखा। तो गोस्वामी साहब ने फ़ोन किया डॉक्टर बिंदु कुमारी महतो को, उसने फ़ोन किया। डायरेक्ट बोलता है कि मैडम आप आइए, आपसे बात है। तो डायरेक्ट वो बोलती है फ़ोन में, आपको अमित प्रसाद कंप्लेन किया? फ़ोन किसने किया था? डॉक्टर APM ने फ़ोन किया, एरिया पर्सनल मैनेजर ने फ़ोन किया गोस्वामी साहब। तो बोला कि अमित, तो हमने सर हम लोग एक लिखित जाना, बोला अभी तुम कुछ लिखित कुछ मत करो, हम बैठ के तुमको भी कॉल करेंगे, उसको भी कॉल करेंगे, बैठ के एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे क्या चीज़ हुआ। फिर क्या हुआ? फिर आया नहीं। फिर उसके बाद हम आ गए। फिर मैंने अपने वरिष्ठ नेता पांडे जी को भी इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद फिर मैंने राहुल सर को भी इन्फॉर्म किया, जो BMP ग्रुप का पर्सनल मैनेजर है। क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने उसके बाद क्या हुआ, फिर मालूम चला कि मेरे नाम से मैं फिर हाँ फिर एजेंट को फ़ोन किया मैंने। मैंने किसी से लंबन एजेंट के भेजा, एजेंट बोला कि आप आइए, एजेंट साहब बिजनेस डिपार्टमेंट थे, बोला हम रास्ता में ऑन द वे हैं, आप आइए। इसके बाद क्या हुआ? फिर हम गए तो बोला कि तुम ही अमित प्रसाद? डायरेक्ट एजेंट साहब बोला हाँ सर मैं ही अमित प्रसाद हूँ। तो तुम्हारे नाम से कंप्लेन है, तुम मिसबिहेव ये किए हो। हम लोग सर मैं कोई मिस आपसे मेरा बोल तुमको हम सस्पेंड कर रहे हैं। हम लोग सर सस्पेंड कर डिसमिस कर दिए सर, मेरा गलती होगा सर, आप मुझे डिसमिस कर सकते हैं सर, जो भी कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं, आप मेरा सुन लीजिए। तो मैं था, राम बालक था, शेख सबन थे, अध्याय चंद दुनिया थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जाने के बाद फिर वो सुने मेरे बात, तो फिर बोला यार ये तो गलत है, तुम इस तरह का लड़का नहीं हो। फिर एजेंट साहब खुद बोले तुम इस तरह का लड़का नहीं। तो फिर उसने बोला कि ठीक है आप ही, वो भी एक लिखित कंप्लेन दिए हैं, आप ही एक लिखित कंप्लेन दीजिए, एजेंट साहब ने बोला। तो फिर मैंने भी एक लिखित कंप्लेन 6 तारीख को ही दिया। फिर आज क्यों बैठे थे? आज इसलिए बैठे कि अचानक मेरे नाम से चार्जशीट इशू हो गया, चार्जशीट इशू कर दिया। कल आया मुझे देने के लिए प्यून कि आपके नाम से चार्जशीट है, तो चार्जशीट इशू हो गया। कल मैनेजर साहब ने छुट्टी मार दिया, हम लोग आ जाए। तो आज हम लोग आए और घेराव किए। ये मुद्दा हो गया। अच्छा जो डॉक्टर, हाँ 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 मैं बैठा था, एक बात बोलना भूल गया, मेन इंपॉर्टेंट बात बोल दिया, उसने किताब फेंक दिया मेरा चेस्ट में उस दिन। उस दिन में मेडिकल बुक ने फेंक दिया मेरा चेस्ट में। अच्छा हमने मैन दिस इज द बिहेवियर, बोलो यू गेट आउट, गेट आउट। हाँ आई विल कॉल द CISF, आई विल कॉल द सिक्योरिटी गार्ड। हमने मैम यू कॉल एनीबॉडी, आई विल नॉट रिमूव फ्रॉम हियर, आई विल स्टे हियर। अच्छा डॉक्टर्स के वीक में कितना दिन बैठने का? फिर हम चले गए चुपचाप। डॉक्टर कितना दिन बैठने का यहाँ सिस्टम है? यहाँ पर 2 दिन था, मंडे और सैटरडे था। कितना दिन बैठती है वो? एक दिन भी नहीं बैठ रही है, कम से कम 3 दिन था, फिर 2 दिन हुआ, फिर अभी तो बैठते नहीं। सिस्टम के हिसाब से कितना दिन है? 2 डेज, मंडे और सैटरडे। बैठते कितना दिन है? एक दिन भी नहीं। फिर भी मंथली वगैरह में कुछ भी नहीं? फिर आपसे मुलाकात कैसे हुआ? फिर आपसे अचानक यहाँ पर नहीं, मंडे जब वो नहीं बैठते।